तो जैसे ही आप स्नैपचैट में मोबाइल नंबर चेंज करने जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एरर आ जाएगा, वी कैन नॉट वेरीफाई दिस फोन नंबर, प्लीज रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन विद अनदर फोन नंबर। दैट्स मीन्स कि जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिंक करने जा रहे हो उस नंबर पर ऑलरेडी एक स्नैपचैट अकाउंट बना हुआ है, जिस वजह से आप यहाँ पे नंबर चेंज नहीं कर पा रहे हो। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस नंबर से बने स्नैपचैट अकाउंट में सबसे पहले लॉगिन ऑन होगा, तभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं यहाँ पे स्नैपचैट का क्लोन कर लेता हूँ। अब इस क्लोन स्नैपचैट को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब आपको उस स्नैपचैट अकाउंट को सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करना होगा, बट आई एम श्योर कि आपको यहाँ पे इसका पासवर्ड नहीं पता होगा। जब आपको यही नहीं पता था कि इस नंबर से स्नैपचैट अकाउंट बना हुआ है तो पासवर्ड तो आपको क्या ही पता होगा। तो पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए आपको यहाँ पे फॉरगेट योर पासवर्ड पे क्लिक करना है। अगर आपके अकाउंट में ईमेल आईडी लिंक है तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी के जरिए भी पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर के थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर कोड आएगा जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जो भी न्यू पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड आपको कंफर्म में भी एंटर कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे डिवाइस भी वेरिफिकेशन करने के लिए बोल रहे हैं, तो अब हमारे इसी मोबाइल नंबर पर कोड आएगा, तो कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा, तो आप स्नैपचैट अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कैमरा वगैरह की परमिशन दे देनी है। अब आपको यहाँ पे प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, तो इसका फर्स्ट तरीका है कोई भी मोबाइल नंबर रख दीजिएगा तो आपका ये मोबाइल नंबर फ्री हो जाएगा। इसके बाद आप इस नंबर को उस स्नैपचैट अकाउंट में लिंक कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है तो आपको इस स्नैपचैट अकाउंट को डिलीट करना होगा, उसके बाद आपका ये नंबर फ्री हो जाएगा, फिर आप इस नंबर को उस स्नैपचैट में लगा सकते हैं। तो स्नैपचैट अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है स्नैपचैट डिलीट अकाउंट। तो आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी, आपको इस वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप थोड़ा नीचे की तरफ आ जाइए। इसके बाद आप यहाँ पे अकाउंट पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्नैपचैट लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप अपना स्नैपचैट मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इस स्नैपचैट अकाउंट का अभी आपने जो भी पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी आपके इस नंबर पर कोड आएगा, कोड डाल के आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने डायरेक्ट स्नैपचैट अकाउंट डिलीट करने का इंटरफेस आ जाएगा। तो स्नैपचैट अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका ये स्नैपचैट अकाउंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका ये नंबर फ्री हो चुका है, अब आप इस नंबर को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब उस स्नैपचैट अकाउंट में चलते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर पे क्लिक करता हूँ और इस नंबर को मैंने किया कट, और जिस नंबर से अभी हमने स्नैपचैट अकाउंट डिलीट किया है वो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक किया, ओटीपी किसके जरिए लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं वो एरर यहाँ पे हट चुका है। अब इस नंबर पर ओटीपी आएगा जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। तो नंबर चेंज करने के लिए आपको बस इस स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड एंटर कर देना है। पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका स्नैपचैट में मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस एरर को सॉल्व कर सकते हैं।